मेरे चैनल अजीम एडिटी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा है सवाल का कि 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम इसको बदलना सीखेंगे, यानी कि हम इसके ज़रिए से बदलना सीखेंगे। 10 किलोग्राम के ज़रिए से हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं वीडियो को और समझते हैं कि कैसे बदला जाता है। तो पहले समझते हैं कि 10 किलोग्राम में हमें सवाल क्या है उसको लिख लेते हैं। हमें पता है 10 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, ये हमारा क्या क्वेश्चन है। अब बोलेंगे यहाँ पे केजी क्यों लिखा गया है। केजी इसलिए लिखा गया क्योंकि किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म केजी होता है, ठीक, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। तो 10 केजी में कितने ग्राम होते हैं, ये हमारा सवाल हमने लिख लिया। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो समझिए ध्यान से, जब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है तो 2 किलोग्राम कितने ग्राम होंगे, यानी 1000 प्लस 1000 बराबर 2000 ग्राम। ये कहेंगे कि ये होगा कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होंगे, इसको जोड़ा जाता है या फिर इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। तो ये देखो छोटा है तो हमने जोड़ लिया, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है जैसे कि 10 किलोग्राम है तो हमें 10 बार हज़ार हज़ार जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका जो तरीका है उस तरीके से हम करते हैं। 10 किलोग्राम बराबर, जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम तो 10 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे 10 × 1000। समझिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा। 10 × 1000 बराबर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे 10000 हो जाएगा, 10000 ग्राम। समझ गए, तो हमने ये क्या किया, कन्वर्ट कर लिया 10 किलोग्राम को ग्राम में, तो कितना आ गया, 10000 ग्राम आ गया। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि जब भी हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो क्या करने होगा, सिंपल सा 1000 से उसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। हमने 10 किलोग्राम को बदला ग्राम में, अगर यहाँ पर 5 किलोग्राम होता उसको ग्राम में बदलना होता तो 5 × 1000 करते। यहाँ पर अगर 15 किलोग्राम होता इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो 15 × 1000 करते। समझ गए, यानी पीछे वाला 1000 सेम रहेगा, बाकी आगे वाला जो उसको बदलते रहेंगे। तो ये है तरीका किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने का, चेंज करने का। उससे दोस्तों समझ गए किस तरीके से बदला जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।